नोबेल शांति पुरस्कार 2022 की घोषणा कर दी गई है। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की, रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को 2022 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक धनी स्वीडिश उद्योगपति और डायनामाइट के आविष्कारक सर अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर चिकित्सा, भौतिकी, रसायन शास्त्र, साहित्य और शांति क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की स्थापना की गई थी। पहला नोबेल पुरस्कार साल 1901 में सर अल्फ्रेड नोबेल के निधन के 5 साल बाद दिया गया था। अर्थशास्त्र का नोबेल, जिसे आधारिक तौर पर बैंक ऑफ स्वीडन प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अर्थशास्त्र में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार दिया जाता है, उसकी स्थापना अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के आधार पर नहीं हुई थी, बल्कि स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में इसकी शुरुआत की थी। प्रत्येक क्षेत्र के नोबेल के तहत विजेताओं को एक स्वर्ण पदक और एक प्रमाण पत्र के साथ 1 करोड़ क्रोनर, लगभग $9 लाख की पुरस्कार राशि दी जाती है। विजेताओं का सम्मान हर साल 10 दिसंबर को किया जाता है। 1896 में 10 दिसंबर की तारीख को ही अल्फ्रेड नोबेल का निधन हुआ था। 1901 से 2021 तक अलग अलग क्षेत्रों में कुल 609 बार नोबेल पुरस्कार दिए जा चुके हैं। दुनिया भर में हजारों लोग नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने के पात्र हैं। इनमें विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर, कानूनवीर, पूर्व नोबेल पुरस्कार विजेता और खुद नोबेल समिति के सदस्य शामिल हैं। हालांकि नामांकन को 50 वर्षों तक गुप्त रखा जाता है, लेकिन जो लोग उन्हें जमा करते हैं वे कभी कभी सार्वजनिक रूप से अपनी सिफारिशों की घोषणा करते हैं। खासकर नोबेल शांति पुरस्कार के संबंध में, नोबेल शांति पुरस्कार नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि अन्य क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। ऐसा अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा के आधार पर किया जाता है। इस इच्छा के पीछे की असल वजह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन अल्फ्रेड नोबेल के जीवन काल में स्वीडन और नॉर्वे एक संघ का हिस्सा थे, जो 1905 में भंग हो गया था। शांति पुरस्कार समिति एकमात्र ऐसी समिति है जो नियमित रूप से पिछले वर्ष हासिल की गई उपलब्धियों के आधार पर विजेताओं को पुरस्कृत करती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।